और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियादर्शन केंद्रीय कैबिनेट में चिराग पासवान को शामिल किया जा सकता है जी हां इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लोजपा रामविलास के शीर्ष नेता चिराग पासवान को अब मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है और इस सब को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बनकर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ हुई चिराग पासवान से मुलाकात के बाद इस बात के करीब करीब आसार तय लग रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करने पर अंतिम निर्णय ले लिया गया है और संभवतः 12 जुलाई को ऐसे आसार बन रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और उस दौरान चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है दरअसल चिराग पासवान से आज सुबह सुबह ही नित्यानंद राय ने मुलाकात की थी दोनों नेताओं की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विशेष संदेश के साथ आज उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की थी दोनों नेताओं की हुई मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने भी आनंद फानंद में अपनी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग स्तर से बात की है और कहा जा रहा है कि इस बातचीत में चिराग पासवान ने अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बताया है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए वहां से ऑफर आया है साथ ही साथ एनडीए में भी चिराग पासवान की पार्टी जो रोजपा राम है उसके शामिल करने का ऑफर आया है दरअसल 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की एक बैठक होने वाली है उसमें एनडीए में शामिल तमाम घटक दलों को वहां पर आमंत्रित किया गया है और आज जब नित्यानंद राय के साथ चिराग पासवान की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के एक निहितार्थ यह भी निकाला गया कि इसमें चिराग पासवान को 18 जुलाई की होने वाली बैठक में उन्हें आमंत्रित किया गया है और इसे लेकर के कई प्रकार के संदेश और कई प्रकार के संकेत दोनों ही नित्यानंद राय की ओर से भी मिले हैं और उसके बाद जिस प्रकार की एक तरीके से देखा जाए तो तेजी चिराग पासवान ने दिखाई है और अपनी पार्टी के कई जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी बातचीत होने की खबर आ रही है तो उसमें हमारे सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी संभवतः बारह जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस फेरबदल में कई नेताओं को अलग अलग जो राज्य से हैं उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है और इसमें बिहार से जिस प्रमुख चेहरे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात चल रही है उसमें चिराग पासवान का नाम अग्रणी है चिराग पासवान रोजपा रामविलास के प्रमुख है और मौजूदा समय में वे जमुई संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं हालांकि जब वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तब उस दौरान ये पूरी की जो इनकी पार्टी थी वह लोजपा के नाम से बिहार में चुनाव लड़ी थी लेकिन बाद में उनके चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के बीच में मतभेद उतरे और स्थिति हुई कि चिराग पासवान एक और अकेले बच गए जबकि दूसरी ओर पशुपति पारस के साथ उनके कुल पांच सांसद एकजुट हो गए और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को जगह मिल गई जबकि चिराग पासवान उसके बाद से लगातार अकेले अपनी पार्टी का विस्तार देने के लिए और अपने आप को एक जनाधार वाला नेता बताने के लिए बिहार में लगातार वो अलग जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं और इन सबके बीच इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि चिराग पासवान को अपने पक्ष में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और इसका एक बड़ा संकेत उस समय भी देखने को मिला था जब गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे चुनाव तो के दौरान चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया था और उसके बाद अब जो अट्ठारह जुलाई की होने वाली एन डी ए की बैठक है उस बैठक के पहले भी इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान के पार्टी को उस बैठक में शामिल किया जा सकता है यानी कि आधिकारिक रूप से लोजपा रामविलास और एनडीए का हिस्सा होने जा रहा है और इन सब के बीच चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दे करके उन्हें उनके एक बड़े कद के नेता के रूप में पेश करने की भी तैयारी मानी जा रही है और इसी वजह से आज जब नित्यानंद राय की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने जो तेज़ी दिखाई है और अपनी पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ उनके बात करने की जो खबरें आ रही हैं उनमें हमारे सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान ने अपने तमाम नेताओं को बता दिया है कि जो केंद्रीय कैबिनेट की अगली जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाली है

मिल सकती है